हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सारे ठीक होगी। राम राम सारन है, स्वागत है थारा मेरे एक नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करिए सुबह 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 के बजे 9, और आज इतनी लेट वीडियो स्टार्ट करी क्योंकि टाइम ना लगा। मैं उठी थी आज 6 बजे, क्योंकि रात ना तबीयत थोड़ी सी ढिली हो रही थी, तो मैंने नींद ना आई इस वजह से। और 12 बज गए थे सोते सोते, तो सुबह फिर 5 बजे पापा कॉल करी उनके पास, तो उनने कितने जाना था, कोई बुकिंग थी, तो जब उठना पड़ गया उनके साथ मैं उठी। फिर मैंने नींद आ गई वापस, तो सुबह का सोया हुआ आदमी जल्दी से उठा ना करे। फिर भी मैं अलार्म बजी मनवा बंद करती, मैं सो गई और फिर उठी मैं 6 बजे, जब थोड़ा थोड़ा दिन निकल आया था, क्योंकि रात बड़ी होने लगी और दिन छोटे होने लगे। तो ईव मैं करती सुबह सुबह, थोड़ा सा लेट हो रहा था काम, तो ईव कर लिया, बाकी सारा काम हो गया। थोड़ी बहुत रोटी बनानी रह रही है, सब्जी होगी, और सारे घर का काम हो गया। और आज हमने बेरा की कनागत शुरू हो रहे हैं, तो आज था मेरी ताई सास का पान, तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपेयरिंग करनी ज़रूरी थी। तो माँ ने सारा कुछ कर दिया, और हमने भी बताऊँ दिखाऊँ केक रहा कि नहीं, तो बने रहो इन तक। लगा रखी है मशीन, कपड़े सूखने डाल रखे हैं, जल्दी ये सूख जाए तब तक मैं सामने दिखा दूँ। आज चूल्हे पे सब्जी बनाई है बहुत टाइम बाद। लाइट जला था, तो इसमें है या खीर, और खुद के घर के जब देना हुआ है, जब अलग ही चीज बनाया है। और इसमें है जलेबी, मन्ने तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर किस तरह के बेरा बनी हुए हैं जलेबी और खीर। और यह है सब्जी, आज सब्जी बनाई है माँ ने, कलर बहुत सुंदर आ रहा है सब्जी का, खाने का बेरा बनी। और कुछ रोटी बना दी, और यो रखा आटा, थोड़ी देर बाद मैं और बना दूंगी जब कोई खाओगा, क्योंकि पहले बनाने का फायदा ना होता, फिर वो बासी होती रहे। और मेरी रखी है चाय, मैं भूल गई मेरी चाय भी है, तो पहले भाग के मशीन बंद कराऊँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। मैं बिल्कुल भुलक्कड़ हो रही हूँ, कितनी देर ही मन चाय रखी। और यो देखो मेरा स्प्रे हर वक्त मेरे साथ रहा है, यो स्प्रे मेरे दर्द खातर, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दर्द रहा फिलहाल में, मैं कुछ काम नहीं कर पाती, तो मैं इसने स्प्रे कर करके काम करूँ, ताकि मैं दर्द न महसूस ना कर सकूँ। और यह रखी मेरी चाय, कोपना देख के यूँ ना सोचे ज़्यादा है, थोड़ी सी है, पर यो दूध का था तो मैं सोची इसमें डाल लूँ, क्यों वेस्ट करे बर्तन। तो मैं पिल्लू फिर मिलूँ तुमने। तो सुबह पापा जी ने के पास चुगी थी, सुबह पापा जी बैठ जा 5 बजे, तो 5 बजे तक ले गए, 9:30 या 9 बजे तक कंटिन्यू के पास चुगे हैं, जब तक पूरे धूप ना आ जा, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट, उसके बाद फिर दिन में खाना वाना खा के फिर दोपहर में जब पूरे छाए आ जाएगी वापस से, तो फिर लग जाएंगे। तो जब तक पापा आए हैं कंटिन्यू के पास के 3-4 कट्टे निकाल दिए, देखो कितनी सारी निकाली सुबह, 2 तसले पूरे भर गए। तो मैं ये माँ घास काट के गई, तो देखो हालत कैसी होगी, फटाफट तो इसने चमका दूँ, सारा कितने मिट्टी मिट्टी हो रही है, तो मैं झाड़ू लगा दूँ। तो मैं नहा ली थी, और आज थोड़ा सफाई का काम से करने की सोच ली, करने की सलाह तो ना थी, पर कुछ रीज़न तो करना पड़ गया था, क्योंकि आज कना गया था तो बामड़ी जी मारी थी, तो उसको सूट देना हुआ है, तो उसके चक्कर में आज कबाड़ा छेड़ दिया, और पूरी इस बहाने तो सफाई भी हो जाएगी। तो मैं सोची कि ब्लॉग भी बना लूँगी, हमने भी दिखा दूँगी थोड़ा बहुत, कि मैं आज केक करामात करने वाली हूँ, तो दिखाऊँ तो हम नालत केक करी हमने, तो देखो कबाड़ा मचा दिया, ये दो निकाली, बाकी ये सब बिखरा दिया। ये सारा अंदर सेट करना है इसके, बहुत टाइम हो गया था इन्हें सेट करे, तो मैं सोची आज इन्हें सेट भी हो जाएंगे, और दिवाली आ तो सफाई भी हो जाएगी, फिर वो करनी है उनकी सफाई सारी अलमारियाँ की, तो इस पूरा कमरा कर दूँगी, उसका का तो आज ही कर दूँगी, तो देखते रहो। देखो सामान में बीच में के मिला, मेरी शादी का लहंगा, कितना अच्छा दिन था, पुरानी याद ताजा हो गया आज तो। और मैंने उर अंदर डाल रखा, क्योंकि बाहर स्पेस ना था मेरी अलमारी में इतना, तो ये मैंने उर रख दिया, और मैंने ये पहना भी ना दोबारा शादी के बाद।
हैवी है बेटा, तेरे तना उठ रुक जा। और ये इसका ब्लाउज है और ये इसकी चुन्नी है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिन बाद देखे बहुत सुंदर लग रहा है। उसका तो करवा चौथ पर डालूंगी, कमेंट में बताइए किसा लग गया है, फिर आगे दुकान ढूंढते हैं। ये देखो जरूर कमेंट करके बताइए। तो सेट कर दी, बंद कर दी, बाकी मैंने केक बड़ा कर दिया, देखो सब कुछ बिखरा दिया। तो ये मैं फटाफट लुक चेंज कर दी हूँ जल्दी थी, फिर दिखाऊंगी। तो हमने तो वो बिल्कुल कर दी सफाई, जितनी भी उसका थी मैं तो मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करी है, पर ये पुराने घर हैं तो इनकी सफाई कितनी कर लो फिर भी यही सही दिखेंगे। बाकी का जो फालतू कचरा था ये मैंने निकाल दिया। ये कुछ कपड़े हैं रावी के जो बहुत ख़राब हो चुके थे, मैं सोची क्यों बोझ रखना, तो निकाल दिए। और यह सो है रावी, झाड़ू कर दी है, बस पोचा रह रहा है, वो भी किसी दिन फुर्सत तो मारूंगी, क्योंकि बाद में मारूंगी इकट्ठा, क्योंकि ये कमरा और ये कमरा भी साफ करना है। तो पर्दे लगा कर दिखा। तो आज का ब्लॉग जी सा भी कुछ था, मैंने सारा कुछ दिखा दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया होगा शायद, और ये भी कुछ बचा नहीं है, ये मैं करूँगी रेस्ट। तो ये भी सब कोई काम को नहीं, कल करांगे जो भी कुछ काम रहेगा। अगला टारगेट क्या होगा, कौन से कमरे की सफाई करूँगी, वो मैंने खुद नहीं, मेरा हिम्मत रहोगी तो ये कर पाऊँगी, नहीं तो कैंसिल है। तो मैंने पर्दे लगा दिए हैं, ये कुछ भी नज़र ना आता सामान के रखा के नहीं, और ये सही लगा ढकने के बाद। तो अगर तो मैंने सांस चढ़ रही है मेरा, तो हमने अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और बताइए कमेंट।